नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। और बात सबसे पहले बजट सत्र की करेंगे। उत्तराखंड के गैरसैंण में आज आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा दिन है, जहां सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं आज दो दिन पहले सत्र से निलंबित, आपको बता दें कि विधायकों ने सदन में मुद्दा उठाया है, जहां विधायकों ने निलंबन की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यह मुद्दा सदन में उठाया, तो वहीं विपक्ष आज सदन में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। साथ ही बजट को भी विपक्ष ने निराशाजनक बताया है। तो देखिए, आपको बता दें कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि कल बजट पेश किया गया था, उस बजट को लेकर भी विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई है। तो देखिए, भराड़ीसैंण से ये जानकारी, आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा दिन, कल बजट पेश किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि कई मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जो कल बजट पेश किया गया था सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी आपत्ति जताई गई विपक्ष की ओर से। और आज भी जिस तरह से विपक्ष, हम पहले दिन से ही देख रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरह से जवाब देती है, क्या जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले देखिए, लगातार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर सरकार के ऊपर होते हुए दिखाई दे रही है। वो तस्वीरें उसी से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर। चौथा दिन बजट सत्र का, और चौथे दिन भी लगातार विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे हावी रहने वाले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, यह देखना इस बीच अहम हो जाता है। तो उत्तराखंड के भराड़ीसैंण से यह जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर। और वहीं प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि प्रशासन भी मुस्तैद है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 100 गज दूरी तक धारा 144 भी लागू किया गया है। परीक्षा केंद्र में छात्र छात्राओं और टीचरों के मोबाइल फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि नकल करते अगर कोई भी विद्यार्थी पकड़ा जाता है, तो परीक्षार्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लिए पूरे प्रदेश में, आपको बता दें कि 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, ताकि निगरानी रखी जा सके। धारा 144 लागू की गई है। तो वहीं इस साल बोर्ड परीक्षा में, आपको बता दें कि 2,00,000, इसी के साथ ही 59,439 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही इस बार हाई स्कूल की अगर बात करें, तो 1,32,115, इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 6 अप्रैल को दोनों की परीक्षाएं संपन्न होगी, जबकि 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख इंतजार का करेंगे और जानकारी लेंगे, क्या कुछ अपडेट है उनके पास। इंतजार, सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि इस बार काफी एहतियात बरते गए हैं प्रशासन की तरफ से। तमाम जो सेंटर्स हैं जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, उनके बाहर धारा 144 भी लागू की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज प्रदेश भर में जो हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं हैं, उनका जो आयोजन है आज से शुरू हो गया है। आज से इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर के साथ पेपर जो परीक्षाएं हैं उनका आगाज हुआ यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि सभी जो परीक्षा केंद्र, सभी को सीसीटीवी कैमरों की नजर में यहाँ पर रखा गया है। और जो परीक्षा केंद्र जहाँ पर बनाए गए हैं, वहीं लगभग 100 मीटर की परिधि के अंदर धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ सर ये भी बताइएगा कि जो अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार इससे पहले हम कई बार ये देख चुके हैं कि जब भी परीक्षाएं होती हैं, नकल के मामले कई सामने निकल कर आते हैं। सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आता है कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही। और यही वजह है, लगातार हर साल सरकार लगातार ये कोशिश करती है कि नकल रहित परीक्षा कराई जाए। यही वजह है कि इस बार एहतियात बरते जा रहे हैं। इंतजार, जो अभिभावक है वो क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए कि उत्तराखंड में जिस तरीके से परीक्षा होने के बाद और प्रश्न पत्र लीक होने के प्रकरण सामने आए हैं और कई तरह से जो परीक्षाएं उनको संदेह घेरे में यहाँ पर रखा गया है, जिसको लेकर नकल विरोधी कानून भी यहाँ पर लागू किए गए हैं। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं जो आज से यहाँ शुरू हुई है, उनको लेकर अभिभावक हैं सरकार और प्रशासन के द्वारा उन्होंने कयास यहाँ पर लगाया है कि जो परीक्षाएं हैं उनको निष्पक्ष तरीके से और गोपनीय तरीके से परीक्षाएं यहाँ पर कराई जा सके, जो कि जो मेहनत जिन बच्चों ने मेहनत की है वो अपनी मेहनत के बल पर उनको अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सके और किसी तरह का जो नकल है या अन्य जो गतिविधियां हैं जो परीक्षा है उनमें ना पाई जाए। लगभग 1333 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में यहाँ पर बनाए गए हैं, जिन पर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है और सभी परीक्षा केंद्रों को जो है सीसीटीवी कैमराज की नजर पर यहाँ पर रखा गया और तमाम जो परीक्षार्थी हैं या फिर जो कक्ष निरीक्षक हैं और तमाम जो स्टाफ है सभी को स्कूल परिसर और जो परीक्षा कक्ष है वहां पर किसी भी तरह का मोबाइल या अन्य चीजों लाने पर यहाँ पर मनाई की गई है, बिल्कुल उस पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। वहीं जो चचल दस्ता है जो उनको भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। जी बिल्कुल, तो अलर्ट मोड पर रखा गया है, प्रशासन मुस्तैद है, धारा 144 तमाम चीजें इस बार हर तमाम चीजों का प्रशासन की तरफ से इस बार ख्याल रखा गया है। इंतजार, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हरिद्वार से जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, वहां जहां पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। और एहतियात के तौर पर आपको बता दें कि धारा 144 तमाम जो सेंटर्स है जो बनाए गए हैं जहां पर परीक्षाएं हो रही है वहां पर लगाई गई है, सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है और कोई भी अगर नकल करते हुए पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई उसके पर की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। परीक्षाएं आगामी 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। पौड़ी जिले में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाईस्कूल और इसी के साथ ही इंटरमीडिएट के 17,675 छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। पौड़ी सीईओ आनंद भारद्वाज की माने तो इस बार हाईस्कूल के 8,360 छात्र शामिल होंगे, जिसमें 8,272 संस्थागत और इसी के साथ ही 88 व्यक्तिगत बताए जा रहे हैं, जबकि इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो 9,288 के सापेक्ष 9,096 संस्थागत और इसी के साथ ही 219 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। पौड़ी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 136 केंद्रों पर लगभग 18,000 बच्चे बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। आज 12th क्लास का हिंदी का पेपर है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, परीक्षाओं को नकल विहीन और सुचतापूर्वक चलाने के लिए हमने विशेष तैयारियां की हैं। हर बच्चे की 3 बार तलाशी ली जानी है जिससे कि नकल विहीन परीक्षा हो सके। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट पर एंट्री के समय ही किताबें कॉपियां बच्चों से हटा दी जाएंगी। कोई भी ऐसी सामग्री लेके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा जिससे नकल कर सके। उसके बाद स्कूल के अंदर आंतरिक सचल दल बनाया गया है, इंटरनल फ्लाइंग बनाई गई है, वो चेक करेगी। और इसके अलावा 3 फ्लाइंग हमारी एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनाई गई हैं, एक डीओ बेसिक, एक डीओ माध्यमिक और एक सीओ की। इसके अलावा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की 15 फ्लाइंग हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे एग्जाम देंगे पूरी निगरानी के अंदर देंगे और परीक्षा नकल भी सुचतापूर्वक ढंग से संपादित होगी। और वहीं भराड़ीसैंण विधानसभा सदन के भीतर लोक हितकारी बजट पेश करने पर वित्त और इसी के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री ने भाजपा विधायकों ने मुंह मीठा कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन के भीतर प्रस्तुत 77,407 करोड़ का ये 2023-24 का बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें उद्यान विभाग के लिए 815 करोड़, इसी के साथ ही उद्योग विभाग में 461 करोड़, पर्यटन विभाग की बात की जाए तो उसके लिए 302 करोड़, शिक्षा और युवा कल्याण विभाग में 10,469 करोड़, कृषि विभाग की बात की जाए तो उसके लिए 1294 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,217.87 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,850 करोड़,
इसी के साथ ही विकेंद्रीकृत विकास के अंतर्गत जिला योजना में 925 करोड़, लोक निर्माण विभाग की अगर बात की जाए तो उसके लिए 2791 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ का मत रखा गया है। तो वहीं सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट संकल्प नए उत्तराखंड का बजट है और उसे साकार करने वाला बजट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। ये बजट पूरी तरह से समावेशी है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे, उस दिशा में बढ़ता हुआ ही बजट है और ये बजट पूरी तरह से विकास परक है और उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए ये बजट है और मैं कह सकता हूँ एक समावेशी एक संतुलित है, एक सभी वर्गों को इस बजट में साधा गया है, यानी सभी वर्गों का ये बजट है। ऐसे स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ छात्रों की आप देखिए, मैंने कहा था कि छात्रों को किस प्रकार से हम लोग जो उदयमान छात्र हैं, जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, उनको हर वर्ग के छात्रों को हम इसमें छात्र देने का हमने प्रावधान किया है। तो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में GSTP हमारी दुगनी हो, वह भी इस बजट में प्रावधानित है। साथ ही साथ जो कुल व्यय इस बजट में 77,407 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की इसमें वृद्धि हुई है, इसी प्रकार से राज्य के स्वयं के संसाधनों से जो कुल प्राप्तियां हैं 24,744, गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% की इसमें भी वृद्धि हुई है और राजस्व अधिवेश में 4,309 करोड़ का राजस्व अधिवेश इस बजट में प्रावधानित है। पूंजीगत परिव्यय में भी वृद्धि हुई है। लोग सम्मानित विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हाउस के अंदर आते हैं, जनता की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको रखने के लिए, उन समस्याओं का निराकरण हाउस के अंदर माननीय मंत्रीगणों के जवाबों से होता है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये स्वच्छ और स्वस्थ परंपरा नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे विकास के कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं उनको और अधिक गति मिलेगी और मैं समझता हूँ कि विधायक नीति एक ऐसा, विधायक गणों के पास एक ऐसा मद है जिस मद से वो अपने छोटे छोटे अपने विधानसभा के कार्य को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कोटद्वार की करेंगे। कोटद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किए जाने के समर्थन में नगर में रैली निकाली। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष ने यह कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने से युवाओं के अंदर एक नई उम्मीद की किरण उजागर हुई है और आने वाले समय में नकल करने और करवाने वालों की आने वाली पीढ़ी भी कांपेगी। निश्चित रूप से आज इस प्रदेश के मुखिया का एक बहुत बड़ा निर्णय हम सबके सामने आया है। नकल विरोधी कानून अध्यादेश पास कर करके इस प्रदेश के मुखिया श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने ये तय कर दिया है कि आने वाले समय में जो युवा हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। नकल विरोधी कानून में जो कानून बनाया गया है, आने वाले समय में नकल करवाने वाले, नकल करने वालों की आने वाली पीढ़ी भी कांपेगी, ऐसा ये कानून बनाया गया है। 10 करोड़ रुपए जो सजा में, जिसकी जो सजा है 10 करोड़ से लेकर 10 साल की सजा, ऐसा कठोर कानून आज हमारी सरकार ने बनाया है और हम इस आभार रैली से धन्यवाद करने चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का।
तो ज्यादा जानकारी के साथ नवीन जायसवाल हमारे संवाददाता कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख नवीन का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नवीन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से ये रैली निकाली गई थी। दरअसल जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया है उसको लेकर ये रैली उन्होंने निकाली थी, क्या जानकारी इसको लेकर? जी मैम, मैं आपको बता दूं, ये जो अन्य परीक्षाओं में नकल माफिया जो नकल करवाती है उन पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया गया है, और इस तो जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है, और इसके लिए जगह जगह वे रैलियां भी निकाल रहे हैं, शहर में, नगर में, जहां अन्य जगह पर, कई जगह पर ये रैलियां निकाली जा रही है। और आपको अधिक बता दें कि नगर इस पे जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका कहना है कि नकल रोकने और नकल करने कराने और नौकरी बेचने वाले के खिलाफ उत्तराखंड ही सबसे बड़ा कानून लागू हुआ है। धावी सरकार ने युवाओं के भविष्य का सौदा करने वालों पर पूरी तरह से नकेल कसने का काम किया है। बजट सत्र के दौरान अध्याय के माध्यम से लाकर सरकार ने इस कानून को पारित कर दिया है। युवाओं को जीत होगी कहा, और साथ ही कहा कि सरकार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर पूरी तरह से संचित है। नकल विरोधी कानून सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में भी लागू होगा। इससे अब प्रदेश भर में होने वाली सभी परीक्षा नकल विहीन सम्पन्न होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोटद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से रैली निकाली गई थी, बड़ी संख्या में लोग इस रैली से जुड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख अगली जानकारी का करेंगे। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी की खुशी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नकल विरोधी कानून को लेकर सड़कों पर रैली निकालते और इसी के साथ ही जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर से त्रिवेणी घाट तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को नकल विरोधी कानून के फायदे की भी जानकारी दी गई। भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा ने बताया कि नकल विरोधी कानून लागू होने से युवाओं का भविष्य और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में नकल विरोधी कानून पास कर दिया गया है। नकल विरोधी कानून पास करने के समर्थन में मंगलौर नगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार रैली निकाली और इसी के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस कानून में नकल करने वाले और करवाने वाले लोगों के खिलाफ 10 साल की सजा और इसी के साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमीर अंसारी ने यह कहा कि नकल विरोधी कानून पास होने के बाद अब उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर लगाम लग जाएगी। निश्चित रूप से इस कानून के पास होने से राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। उत्तराखंड संस्कृति के महापर्व फूलदेई पर भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ फूलदेई पर्व मनाया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। और वहीं उत्तराखंड की संस्कृति में हर मौसम के तीज त्योहारों की परंपरा रही है, जो प्रकृति, देवी देवताओं, जीव जंतुओं और मानवीय संस्कारों से जुड़े रहते हैं। इन्हीं तीज त्योहारों की श्रृंखलाओं में मानव जीव और प्रकृति से जुड़ा फूल संक्रांति पर्व मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के फूलों को एकत्र कर घर घर जाकर घर के मुख्य द्वारों पर फूल खेलते हुए लोगों की सुख समृद्धि के लिए गीत गाए। परंपरागत तरीके से लोगों ने नन्हे मुन्ने बच्चों को मिठाई, चावल, गुड़, रुपए देकर आशीर्वाद दिए। इसी के साथ ही फूल संक्रांति, जिसे फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बच्चे जंगल में जाकर एक वृक्ष की पूजा करते हैं जिसे स्थानीय भाषा में अंग्यार का वृक्ष कहते हैं। जब बसंत ऋतु में इस अंग्यार के वृक्ष पर नई कोपले आती हैं, तो वो समय थोड़ा जहरीले होते हैं और बच्चे अपने पालतू पशुओं को जब जंगल में चुगाने के लिए लेकर जाते हैं तो इसीलिए इस वृक्ष को मनाते हुए पूछते हैं कि उनके पशुओं को जहर मत लगाना। इसी तरह 20वें दिन बच्चे अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए जंगल के राजा बाघ और शेर की पूजा कर मनाते हैं कि वे उनके पशुओं को कभी भी हानि ना पहुंचाएं। इस तरह पूर्व के दौर से ये बेमिसाल परंपरा आज भी चली आ रही है, जिसे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे पारंपरिक भाषा गढ़वाली में इसको फुलफुल खाजा के रूप में मनाया जाता है। तो ये बरसों से हमारे पूर्वजों के ही जमाने से
त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसमें हमारे गाँव से जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नौनिहाल, तो फूल लेके हर किसी के घरों पे, उनके दहलीज पे फूल डाल के एक गाना बोलते हैं कि फूल फूल खाजा फूल फूल चौं। तो पहले जो घरों पे जो हमारे बुजुर्ग थे, तो एक गाना था ये दे बुढ़ई सपे चौं। तो उसमें बच्चों के लिए वहाँ से चावल और ये हमारे पारंपरिक जो अनाज होते हैं, तिल होता है, और उस जमाने के हिसाब से उस समय मिठाई के रूप में गुड़ को दिया जाता था। वही कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ धरना दिया। आपको बता दें कि भुवन कापड़ी ने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। तो वहीं अनुपमा रावत, इसी के साथ ही ममता राकेश और भुवन कापड़ी सहित सभी विधायकों ने सरकार से मांग की कि गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि खटीमा में जाम नहीं काम चाहिए। और पूरी कांग्रेस लामबंद होकर, जो हमारे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया है, जो हमारे मेहनत कश युवा जो मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के बेटे गरीबों के बच्चे, जो हमारी बहनें दिन रात मेहनत कर रही हैं और उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई की पूरी पूंजी उनकी पढ़ाई पर लगा रही है ताकि वो अपने और उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सके, और ये भ्रष्टाचारी सरकार लगातार उस रोजगार को बेचने का काम कर रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात सितारगंज की करेंगे। सितारगंज शहर में पुलिस प्रशासन और इसी के साथ ही नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके साथ ही बाजार में अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर नगद जुर्माना वसूला गया। बता दें कि बीते दो दिन पहले प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को दुकानों के आगे लगे अतिक्रमण को हटाने की सूचना दी थी। वहीं नगर पालिका पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में घूमकर दुकानों के आगे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर में चालान काटकर जुर्माना भी वसूला है। साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताते चले कि प्रशासन की टीम के द्वारा सितारगंज अतिक्रमण पर अभियान चलाया गया है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा हिदायत दी गई थी, उसके पश्चात सितारगंज अतिक्रमण पर ये प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। भी किया गया था, सभी लोगों को, व्यापार मंडल को भी अवगत करा दिया गया था कि जो भी दुकानदार हैं वो अपने आगे ठेले और छोटी छोटी दुकानें लगा के उनसे वसूली कर रहे हैं, तो ऐसा ना किया जाए। उसी के क्रम में आज हमने जो है अभियान चलाया है, जो भी दुकानदार अपने आगे ठेले खड़े करा रहे हैं उनसे पैसे लेने उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इसके अतिरिक्त जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, जिनको सरकारी जमीनों पर दुकानें लगाई हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और रुख अब पौड़ी का करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी पहुंचकर मृतका अंकिता भंडारी को अब तक इंसाफ ना मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार इस प्रकरण पर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष सरकार इस प्रकरण को अब तक नहीं रख पाई, जबकि अंकिता के परिजनों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस आज भी भराड़ी सैंड में विधानसभा का घेराव कर सरकार के समक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी। तो वहीं ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम भी छिपाया जा रहा है, जिससे कि परिजन हताश है। तो वहीं विपक्ष में रहकर कांग्रेस इस प्रकरण को लगातार उठा रही है ताकि अंकिता को इंसाफ मिल सके। ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि भराड़ी सैंड में विधानसभा सत्र चलने के दौरान से ही कांग्रेस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस का सहारा लेकर सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है। ये प्रेस मैंने करी थी, कल मैं अंकिता भंडारी के घर गई थी और कल हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी केस में अभी तक कुछ भी सरकार नहीं कर रही। जो परिवार का जो मांग थी, एक सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और विपक्ष में भी मांग कर रहा था। दूसरा, इतना बड़ा अपराध हुआ था तो फास्ट कोर्ट ट्रैक में इस केस को इनको चलाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करा। सरकार, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, वादा करके चले गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम उसके अगेंस्ट कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे और अब बात हरिद्वार की। हरिद्वार की ज्वालापुर कुतवाली क्षेत्र में घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में अज्ञात युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया कि अंकित गुप्ता निवासी चाकलान गुघाल रोड ने धोखाधड़ी से संबंधित तहरीर दी है। अंकित गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल फोन पर 13 जनवरी इसी के साथ ही 8 फरवरी को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज भेज रहे शख्स ने उसे ऑनलाइन नौकरी करने का ऑफर दिया। उसने कहा कि जितने भी लोग उसके माध्यम से हमारी कंपनी में निवेश करेंगे उसकी एवेज में उसे 20% कमीशन मिलेगा। लालच में आकर अंकित ने पहले खुद 1500 रुपए निवेश कर डाले। इसके एवज में कुछ दिन बाद उसके खाते से 2780 रुपए आ गए। कंपनी पर विश्वास होने के बाद अंकित ने अन्य लोगों को अपने संपर्क में लेते हुए कमीशन के चक्कर में करीब 8 लाख रुपए का निवेश कराया। आरोप है कि अब निवेश कंपनी ना तो कमीशन दे रही है और ना ही जमा कराए रकम वापस लौटा रही है। अंकित गुप्ता ने पुलिस को बताया कि युवक द्वारा उसके व्हाट्सएप पर जो लिंक भेजे गए थे वो भी अब नहीं खुल रहे। बढ़ते हैं आगे और अब बात रायवाला की करेंगे। रायवाला अंतर्गत ग्राम प्रतीतनगर में पेयजल लाइन फटकर कई महीनों से, आपको बता दें कि पीने का पानी लोगों के घरों के नालों में आना चाहिए लेकिन यहां तो लोगों के खेत खलिहानों में बह रहा है। जी हाँ, ये मामला है ग्राम प्रतीतनगर के गुप्ता कॉलोनी का। यहाँ पिछले 6 महीने से पेयजल लाइन फटने से पीने का शुद्ध जल सड़कों और इसी के साथ ही लोगों के घर के आंगनों और खेतों में बह रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ पेयजल की समस्या हो रही है तो वहीं अत्यधिक मात्रा में पानी के लीकेज से एक मकान की तो बुनियाद ही धस गई है। पीड़ित द्वारा कई दफा लिखित और मौखिक शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। पीड़ित राधा जोशी ने कहा कि अगर जल्द ही पाइपलाइन ठीक कर लीकेज बंद नहीं किया तो वो उपभोक्ता फोरम में मामले को ले जाएंगे। इस संबंध में संबंधित विभाग पेयजल संस्थान के सहायक अभियंता से बात करने पर उन्होंने उक्त समस्या को जल्द ही दुरुस्त करवाने की बात कही। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।